हे गाइस व्हाट्स अप सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट फोर ऑफ अवर बैंकिंग सेक्टर ओके एंड इन दिस वी डिस्कस वी डिस्कस अबाउट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन 1991 ओके सो लेट्स स्टार्ट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स सर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म मतलब क्या होता है सर चेंज सर चेंज क्यों लाया गया सर चेंज हर हमेशा सर देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग कोई चेंज हुआ तो उसके पीछे कोई कारण होगा तो हम सबसे पहले कारण पढ़ेंगे यानी बैकग्राउंड पढ़ेंगे जैसा कि आप सभी को पता होगा दैट फ्रॉम 1951 टू तो 69 नाइन देर इज़ अ पीरियड ऑफ क्लास बैंकिंग सर मतलब बैंक जो खुल रहे थे वो क्लास बैंकिंग चल रही थी उस टाइम मतलब थोड़े बहुत बैंक खुल रहे थे ठीक है सब बढ़िया से चल रहा था ओवर स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक लेकिन 1969 में क्या हुआ सर इंदिरा गांधी आईजी बोले तो इंदिरा गांधी द 14 14 कमर्शियल कमर्शियल बैंक्स बैंक्स ओके आ, सर फोर्टीन बैंक्स का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 14 बैंक खोल रहे चौदह बैंकों की आगे फर्दर ब्रांचेस भी होती हैं अलग अलग शहरों में ओके तो नेशनलाइज फोर्टीन कमर्शियल बैंक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी कितने कमर्शियल बैंक हैं कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं अभी ओके नाइनटीन सिक्सटी नाइन टू नाइनटी वन दिस इज नोन एज द पीरियड दिस पीरियड इज नोन पीरियड ऑफ मास बुले ठीक है दरबार हैं सर जितना मर्जी पैसा लो बैंक से एंड जिसकी वजह से क्या हुआ मैनी सीरियस डेवलपमेंट टुक प्लेस सर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर ग्रेजुअली इरोडेड द प्रोफिटेबिलिटी क्योंकि सर खुला पैसा बांट रहे थे तो दैट दैट विल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स बैंकिंग एनपीएस एनपीएस बैड लोन जो लोग अपने लोन के पैसे नहीं चुकाते उनको बोलते हैं बैड लोन्स अभी के लिए इतना समझ लो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनपीएस क्या होते हैं ठीक है थीके? तो एनपीएस बढ़ गए राइजिंग एक्सपेंडिचर क्योंकि सर बीस में से चौदह बैंक जो थे वो उनका दिवाला निकलने वाला था दे ऑल वर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स इन 1991 ओके ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन सर अंधाधुंध ब्रांच एक्सपेंशन हो रही थी हर जगह खुलवाई जा रही थी ब्रांचिज अलग अलग बैंकों की ओके okay. और क्या होता सर ओवर स्टाफिंग सर बैंक में इतने सारे इंप्लॉयज बहुत ज्यादा भर लिए थे इन्होंने ठीक है एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन अगेन लीडिंग टू राइजिंग एक्सपेंडिचर ऊपर इनको बैंकों को देखने के लिए एक ट्रेड यूनियन बना दी थी उसमें भी इतने सारे लोग थे ठीक है जिससे क्या हो रहा था एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था एंड नो मैकेनिज्म टू रिकवर द एन यानी जो बैड लोन्स थे उनको रिकवर करने का कोई भी मकैनिज्म नहीं था ठीक है एक्सेप्ट द कोर्ट सिर्फ कोर्ट को छोड़ के और कोर्ट तो सर आपको पता ही है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख देर आर ऑल्सो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभी के लिए इतना ठीक no है जो आ, क्या कहते हैं बैंड के दीवाला निकलने से जो बचा सके इस तरह के कोई नॉम नहीं थे फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ लोन वेवर्स बाय पॉलिटिशियन यानी लोन माफ करने के फ्रीक्वेंटली uh, पॉलिटिशियंस uh, बोलते थे ठीक है और पॉलिटिशियंस ट्रीटेड बैंक्स एज अ टूल टू गेन द पॉलिटिकल माइलेज वो कहते हैं कि भैया आप हमें सत्ता में आ रहे तो और हम आपके लोन क्या करवा देंगे माफ करवा देंगे ओके okay. तो ये सब गड़बड़ी चल रही थी एंड फ्रीक्वेंटली लोन मेला लगाई जा रहे थे स्पेशली बाय बैंक मेरली टू फुलफिल द प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट कि भैया प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग प्राइवेटी सेक्टर को दो फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के लिए दो एजुकेशन के लिए दो ठीक है प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन ओके और वेरी हाई सी आर आर सर उस टाइम सी आर आर बहुत ज्यादा थर्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी सी आर आर कितना है और एस एल आर कितना ओके

और लास्ट इज पथेटिक कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस भी बहुत ज्यादा बेकार थी ग्राउंड okay? ऑफ so 1991, 1991 रिफॉर्म तो में क्या क्या हुआ सेक्टर रिफॉर्म के लिए एक कमेटी थी सर नर कमेटी 1991 में उसने रिकमेंडेशंस दी जो कि सारी रिकमेंडेशन मान ली गई सिर्फ एक आदि को छोड़ के ओके okay?

थर्ड नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक शुड परमिटेड टू इशू शेयर्स एंड मोबिलाइज कैपिटल दैट इज फंड नेक्स्ट इज स्पीडी कंप्यूटराइजेशन भैया बैंकों के बीच में कंप्यूटर रखो कब तक कॉपी किताब लेके लिखते रहोगे ठीक है ये सब नहीं करना उसके बाद प्रायवर्टी सेक्टर शुड ब्रॉड डाउन टू द टेन परसेंट वो कहता है प्रायवर्टी सेक्टर जो लैंडिंग देनी है वो आप कम करके दस परसेंट कर दो सिर्फ ठीक है जो कि ये बात नहीं मानी गई थी

आपने सर बैंक के पास कुछ एसेट्स कुछ अपना सामान गिरवी रखा सर इनको क्या बोलते हैं सर इनको बोलते हैं सर को लेटरल एसेट्स ओके कोई आपने प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए ठीक है प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए या फिर कोई कार के पेपर रख दिए ठीक है या कुछ भी आपने गोल्ड गिरवी रख दिया कुछ भी एक्स वाई ही ठीक है जो एसेट्स उनको बोलते हैं को एसेट तो ये कह रहा है एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी शुड बी सेटअप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस और

नेक्स्ट इज डिसमेंटलिंग ऑफ मोस्ट एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट जो बिना बात के इंटरेस्ट रेट लगाए उनको खत्म करना है सर लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंट नॉम फॉर द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक की एंट्री के लिए ट्रांसपेरेंट नॉम होना चाहिए सर पारदर्शी होना चाहिए ओके तो सर जिसके चलते एक एक्ट आया जिसका नाम था सरफेसी एक्ट 2002 थाउजेंड टू सरफेसी बोले तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 यानी 2002 में दो एक्ट आया इसका मतलब क्या है इसका काम क्या बेसिकली इसका काम क्या है सर टू रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड टू प्रोवाइड अ सेंट्रल डाटाबेस सेंट्रल डाटाबेस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी राइट्स एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू इसका मतलब सर क्या है शुद्ध भाषा में समझाते हैं इसका मतलब ये हुआ सर अब सर जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक ने आपको लोन दिया आपने बैंक को अपने एसेट दिए ठीक है कोलेटरल एसेट्स ठीक है अब हुआ क्या सर बैंक के पास अथॉरिटी मिल गई है इस एक्ट के तहत यानी सर फेसी एक्ट के तहत उनको उन एसेट को रिकवर करने की या फिर आप कह सकते हो रिकंस्ट्रक्ट करने की कि भैया आपकी प्रॉपर्टी बेचने की ये इस एक्ट से ताकत मिल गई है ये कह रहे हैं ना टू रेगुलेट सिक्योर सिक्योर कर लेंगे जो एसेट्स आप रखे हो क्योंकि आप लोन के पैसे तो चुका नहीं रहे ठीक है ना तो जाहिर सी बात है बैंक एसेट्स बेचने पड़ेंगे तो वो अधिकार किस एक्ट से मिला है सरफेसी एक्ट से ठीक है टू रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जो आप देखे गए हो अपने एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड टू प्रोवाइड अट्रल डाटा बेस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी राइट्स जो भी प्रॉपर्टी की वगैरह के कागज हैं उस पर अब राइट बन गया बैंक का एंड फॉर मैटर कनेक्टेड टू देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू किस वजह से बना ओके okay. तो पहले फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं ये समझ लो फाइनेंशियल एसेट्स जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बॉन्ड स्टॉक्स कैश और कैश इक्वल डेरिवेटिव बैंक डिपॉजिट्स लोन एंड रिसीवेबल ठीक है ये काफी सारी चीजें आती हैं आपको इतना रिमाइंड करने की जरूरत नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल एसेट है क्या चीज ओके okay. तो इसी के चलते एसेट रिकंस्ट्रक्शन बनाई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई अंडर सरफेसी एक्ट यानी कि जो बैंक के एसेट फंसे हुए हैं यानी जो एसेट आप रख के गए थे बैंक के पास ठीक है ना अभी जो आप लोन के पैसे चुका नहीं रहे तो आपके जो को लेटरल एसेट हैं ये बेचने मतलब सॉरी ये इनको वसूल करने का जो अधिकार है वो किसको मिला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है सर ऑब्जेक्टिव जिसका क्या है टेकिंग ओवर फ्रॉम अ बैंक सम ऑफ इट्स एनपीएस उसने कहा भैया आप मेरे को अपने कुछ बैड लोन्स दो मतलब जहाँ से आपके पैसे नहीं निकल रहे दैट इज बैड लोन एंड रिकवरिंग दैम ऑन इट्स ओन एज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी मतलब हमारा काम ही है कि सर आपके पैसे वसूलना बेसिकली रीजन इसका कहां हुआ जैसे ही मैंने पहले आपको बता दिया नेक्टमेंट ऑफ सरफेस एक्ट टू थाउजेंड टू और पहली एआरसी बनी थी सर इंडिया में आई एस बी आई एंड एल आई सी इन सबों ने मिलकर खोली थी ओके ऑल ए आर सी रजिस्टर्ड विद आरबीआई ये चीज ध्यान रखना सर अंडर सरफेसी एक्ट टू थाउजेंड टू ये चीज ध्यान रखना सर जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया सर ये आंध्रा बैंक है सर इसके पास सौ करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं यानी बैड लोन्स हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इसने दे दिए वो अपने किसको वसूली भाई को सर वसूली भाई की अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड ही सेड दैट वी विल वसूल ऑल एसेट्स ऑफ कस्टमर हम अपने आप वसूल कर लेंगे आप हमारे पे छोड़ दो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब बैंक के इंप्लॉय थोड़ी आपके पास जाए आएंगे एक एक करके आपके बाइक बेचने के लिए या आपके प्रॉपर्टी के कागज बेचने के लिए या कुछ भी केस करने के लिए तो इसके लिए स्पेशल लग से कंपनी बनाएगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड देर आर सो मेनी एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया लाइक रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ठीक है इट इज द टॉप मोस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिलायंस हर जगह आ गया सर दूसरी है सर जे एम फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और भी है सर काफी सारी मैंने पिक्चर सबकी लगाई हुई है ए सी आई एल जैसे कि लिखा हुआ है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन द कंट्री टू इन 2002 द कंपनी हैज रिजोल्ड ओवर रुपीज परफॉर्मिंग एसेट्स हेल्ड बाय इंडियन बैंक्स एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब एन के भी जो पैसे फंसे हुए हैं ना वो भी रिकवर करती हैं ये ये चीज ध्यान रखना और है जैसे इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ठीक है ना सर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट्स एंड फॉर द टू डेज लेक्चर और अभी वक्त है यार अभी इस टाइम कोरोना वायरस का ये पीरियड जो चल रहा है लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसको यूटिलाइज कर लो सर क्योंकि अगर अभी नहीं की आपने पढ़ाई तो नहीं मिलेगी आगे आपको लुगाई ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग और अगर अच्छा लग रहा है भाई लेक्चर तो कमेंट करो सर इससे हौसला अफजाई होती है सर लेक्चर बनाने का और दिल करेगा सर ठीक है समझ रहे हो सर भावना Okay, so thanks for watching. Please review, share and subscribe.